देर आर ए लॉट ऑफ पीपल हु आर क्लेवर इन इंस्ट्रक्टिंग अदर्स बट हु फॉलो देमसेल्फ दे आर ए फ्यू एंड फार बिटवीन। अर्थात पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आच रही ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन खुद कोई फॉलो करने को तैयार नहीं है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग, ऑल दो का प्रयोग, जस्ट देन का प्रयोग, ओनली देन का प्रयोग, सो डेट, सो रिच एज, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस बनते हैं इन शब्दों से वो मैंने बनाए हैं। वह केवल समझदार ही नहीं बल्कि मेहनती भी है। वह केवल समझदार ही नहीं बल्कि मेहनती भी है। तो यहां देखें, ही इज नॉट ओनली, नॉट ओनली का प्रयोग होगा यहां पर इंटेलिजेंट से पहले, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग इंटेलिजेंट के बाद होगा। ऐसे ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह केवल समझदार ही नहीं है बल्कि, बट का यहां पे अर्थ है बल्कि, बल्कि बट ऑल्सो डिलीजेंट, डिलीजेंट माने मेहनती, बट ऑल्सो मेहनती, मेहनती भी है। अब अगला सेंटेंस देखें, जब मैं घर से निकला व्हेन आई केम आउट ऑफ द हाउस, जब मैं घर से निकला, आउट ऑफ द हाउस घर से बाहर, व्हेन माने जब, आई केम आउट ऑफ द हाउस जब मैं घर से बाहर निकला, जस्ट देन तभी आई सॉ ए मैड डॉग, मैंने एक पागल कुत्ता देखा। अब देखिए किस तरीके से, तभी, जस्ट देन, जैसे ही निकला बाहर एक कुत्ता उसने जो पागल था देखा। तो इस प्रकार से जस्ट देन का प्रयोग होगा। इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग था पहले में, अब इसमें है जस्ट देन, जिसका अर्थ होता है तभी, ठीक तभी, जब तुम परिश्रम करोगे। तीसरा सेंटेंस, जब तुम परिश्रम करोगे तभी सफलता पा सकते हो, जब तुम परिश्रम करोगे तभी सफलता पा सकते हो। यहां पर ओनली देन का प्रयोग किया गया है। When you work hard, जब तुम परिश्रम करते हो, when you work hard, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, when you work hard, only then, तभी you can get success, तुम सफलता प्राप्त कर सकते हो, success माने सफलता, get माने प्राप्त कर सकते हो। तो ये तभी सफलता प्राप्त कर सकते हो, कैन शब्द का प्रयोग है, सफलता प्राप्त कर सकते हो। फिर से सेंटेंस देख ले, व्हेन यू वर्क हार्ड, जब आप मेहनत करते हैं तभी यू कैन गेट सक्सेस, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मोहिनी ने, अगला सेंटेंस जिसमें सो दैट का प्रयोग हुआ है, ताकि, सो दैट का अर्थ है ताकि, मोहिनी ने कठिन परिश्रम किया ताकि वह प्रथम आए, मोहिनी ने कठिन परिश्रम किया। अब देखें, मोहिनी वर्क हार्ड ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मोहिनी वर्क हार्ड सो दैट माने ताकि, सो दैट शी माइट स्टैंड फर्स्ट, जिससे वो फर्स्ट आ सके। मे और माइट, ये मे का पास्ट टेंस है माइट, जिससे फर्स्ट आ सके। वह इतना धनी नहीं है जितने आप, अब इस सेंटेंस को देखें, वह इतना धनी नहीं है जितने आप, ही इज नॉट सो रिच, वह इतना धनी नहीं है एज यू आर, आर इसमें छुपा हुआ है, एज यू आर, जितने के आप धनी हैं। ही इज नॉट सो रिच, इतना धनी, एज यू, तुम्हारे बराबर वो धनी नहीं है। उससे अगला सेंटेंस देखें, सो रिच का इसमें प्रयोग किया गया, इतना धनी, उसने इतना खाया कि वह बीमार पड़ गया। ही एट सो मच, उसने इतना खाया, जो पहले सेंटेंस है वो बहुत आसानी से बनेंगे,
उसने इतना खाया, ही एट सो मच, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, दैट ही फेल इल, कि वो बीमार पड़ गया, कितना खाया, इतना खाया कि वो बीमार पड़ गया, तो उसने इतना खाया कि वह बीमार पड़ गया, सो मच इतना, सो मच की हिंदी क्या है, इतना, इतना ज्यादा खाया कि वह बीमार पड़ गया। अब अंतिम सेंटेंस देखें, सातवां, यद्यपि वह धनी है, यद्यपि की अंग्रेजी ऑल डो बनती है और ऑल डो के साथ यट आता है हमेशा, कभी भी बट नहीं आएगा ऑल डो के साथ, हमेशा यट का प्रयोग होगा, यद्यपि वह धनी है, ऑल डो ही इज रिच, ऑल डो का अर्थ है यद्यपि, यद्यपि वह धनी है, although he is rich, yet, अब देखें यहां बट नहीं आएगा कभी, yet आएगा, yet का अर्थ होता है फिर भी, yet he is miser, कंजूस है, miser माने कंजूस, although he is rich, यद्यपि वह अमीर है, yet he is miser, फिर भी वो कंजूस है, कंजूस उसको कहते हैं जो पैसा बहुत कम खर्च करना चाहता है। तो इस प्रकार से ये मैंने ये सेंटेंस लिखे हैं जिसमें इसका प्रयोग है, नॉट नॉट ओनली बट आल्सो, ऑल्दो, जस्ट देन, ओनली देन, सो दैट, सो रिच एज, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं ये मैंने इसमें प्रयोग किए हैं, इन शब्दों को लेकर के प्रयोग किए गए ये वाक्य, कृपया इस पर ध्यान दें, यदि ध्यान देंगे तो अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।